5 मिनट है अच्छे से सुनने के लिए, तो माँ कसम बैठ के सुन, कुछ तो सीख के जाएगा। 2015 का ये स्टोरी है। हम लोग तीन बॉयज मस्त दोस्त, अरे हम तीनों में से एक का बर्थडे आने वाला है। दोस्त लोग को बोला अरे अपना इसका बर्थडे आ रहा है, ये टाइम कुछ अलग मनाते। तो पता है सब ग्रुप में एक एड़ा रहता है, लेकिन क्या उसके बिना ग्रुप भी मजा नहीं आता है। तो वो एड़ा बोलता है हाँ भाई संजय क्या बोलते केक काट के फेंकते क्या। इतने में जिसका बर्थडे है वो क्या बोला, अबे संजय एक काम करते, गोरेगांव में एक ओल्ड एज होम है, मैं तो उसके पूरा दिन का खर्चा अपन उठाते। तो मैं बोला ठीक है। जैसे उधर पहुंचे कम से कम 50-60 सीनियर सिटीजन, किसी का एज 80, 88, 90, 92, ऐसा घेर के खड़े हम लोग को। मैंने क्या बोला मालूम नहीं, सब आजू बाजू के जो सीनियर सिटीजन है ना, वो लोग जो ओल्ड एज वाले, सब हंसने लग गए, फटे हंसने लग गए। उतने में एक मैडम कुछ ज्यादा ही हंस रही है। मैंने मैडम को देख के बोला व्हाट मैडम वेरी मच स्माइलिंग। तो इतने में वो देख के बोलती है यू गाइस लुक लाइक जोकर ओनली। मैंने मैडम को पूछा मैडम व्हाट्स योर नेम, चाइल्ड माय नेम इज ब्लैंका, संजय कम शेक हैंड। तो मैंने भी क्या किया, शेक हैंड बोल के मैंने आराम से जोर से पकड़ूंगा तो टूट गया। तो मैं बोला आराम से, वो मेरे को देख के क्या बोलती है इज दिस अ यंग बॉय शेक्स हिज हैंड, होल्ड हैंड टाइटली। मेरा टूट गया गाइस, संजय कम हिट मी, कम हिट मी। अरे क्या हिट मी, हाथ वात लग गया, निकर निकर जाएगी, फिर तेरे को वापिस बनाएगा कौन ना। तो मैंने ऐसा कर दिया। तो मेरे को देख के बोलती इज दिस अ यंग बॉय हिट्स, ऐसा बोल के ये मारी गई। मैडम व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर एज। इतने में मेरे को देख के बोलती है हाउ कैन यू आस्क अ यंग वुमन हर एज, मतलब औरत लोग एंड तक ऐसे ही रहता है। तो इतने में भाई एपिक सीन क्या हो गया पता है, बाजू वाली एक बुड्ढी माँ है ना, वो मेरे को देख के बोलती है शी इज 92। तो वो ब्लैंका मैडम उसको देख के बोलती है तेरे बाप से पूछा क्या। मैडम आप काम क्या करते थे आपके टाइम पे, तो मेरे को देख के बोलती है संजय आई वॉज एन इंग्लिश टीचर फॉर 30 years, आई वॉज एन इंग्लिश टीचर, स्टूडेंट यूज टू लव माई लेक्चर, वेन एवर आई गो टू क्लास आस्क मी एनी वर्ड आई विल गिव यू द मीनिंग। जो एड़ा लड़का है उसने कोई तो वर्ड बोल दिया, तो मैडम क्या बोलती है गो टू पेज 354 सी लाइन नंबर 4। उसके बाजू में वो डिक्शनरी पड़ा हुआ था, पेज 354 पे गए लाइन नंबर 4 पे, गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपना एड़ा जो वर्ड बोला ना वो उधर उधर। वो एड़ा मेरे को देख के बोल रहा है भाई ये चिट्टी तो रोबोट है क्या, वो ऐसा ऐसा कर ली भाई ये। बस हम लोग माँ कसम वो मैडम से ना एकदम मेस्मराइज्ड हो गया। मैडम को मैंने पूछा इधर कैसे हो यार आप, इधर कैसे है। तो मेरे को देख के बोलती है संजय मेरा शादी नहीं हुआ, मेरे रिलेटिव्स लोग ने बुड्ढी समझ के इधर छोड़ दिया। जैसे ही वो ऐसा बात की ना तो थोड़ा माहौल थोड़ा ऐसा अजीब होने लग गया। इतने में वो माहौल को नॉर्मलाइज कर रखे, फटक से मेरे को देखिए क्या बोलती है पता है, संजय स्टैंड अप कम यर। तो मैं उधर गया तो ऐसा बोलती है कीप योर हैंड लाइक दिस, मैंने की ऐसा हाथ किया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ के अंदर से घुमाया, बोलते संजय लेट्स वॉक टिल देयर, ठीक है लेट्स वॉक टिल देयर। तो हम लोग ऐसा वॉक कर रहे तो मैडम जोर से बोल रही है आई एम गोइंग टू मैरी अ यंग मैन। इतने में अपना येड़ा रब ने मैडम के साथ मिलके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जाने का टाइम है, हम लोग सब लोग से भाई हेलो भाई बोलने का टाइम है। जैसे ही भाई बोलने का टाइम है ब्लैंका मैडम को भाई बोलने का टाइम है, जैसे ब्लैंका मैडम को भाई बोलने का टाइम है मैडम भाई मैम वी आर गोइंग नाउ, संजय बेटा कम यर आप इधर से क्या सीख के जा रहे हो वो बताओ, मुझे लगता है मैं आपके जैसा टीचर बनूंगा मैं ये सीख के जा रहा हूँ। तो मेरे को देख के बोलती क्या कभी शादी नहीं करेगा क्या, वो पहला करेगा वो तो पहला करेगा, नहीं मैडम मैं आपके जैसा टीचर बनूंगा ये सीख के जा रहा हूँ। तो मेरे को डायरेक्ट देखे बोलती गेट लॉस्ट फ्रॉम यर, थोड़ा अजीब लगा रे। तो इतने में वापस हम लोग जा रहे, वापस मेरे को उधर रुकाई, बोलती ए संजय कम यर, फिर तुम इधर से क्या सीख के जा रहे हो मुझे वो बताओ। मैंने बोला मैडम मैं क्या सीख के जा रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोला ना मैं आपके जैसा टीचर बनूंगा, नहीं सीख के नहीं जा रहा है, तो अलग अलग बच्चे लोग को मिलता है ना हर साल, उनको मैं एक मैसेज दूंगी ये तू शेयर करेगा क्या। तो बोला हाँ मैडम बोलो ना, मेरे को मेरे रिलेटिव्स ने इधर डाला है मेरे को इतना पेन होता है, इधर इनके बच्चे लोग ने इधर डाल दिया है इनको कितना पेन होता रहेगा, तेरे सभी बच्चे लोग को जिनको भी तू हर साल मिलता रहेगा ना उनको बस एक ही चीज बोलना, किसी ने उपास रखा किसी ने रोजा रखा कबूल उसका हुआ जिसने अपने अपने माँ बाप को पास रखा। उसने वो लाइन बोला, हम तीनों लड़के लोग उधर ऐसे खड़े के खड़े रह गए। मैंने तभी सोचा ये मैडम ने जो मेरे साथ शेयर किया है मैं हर साल जितने भी स्टूडेंट्स को मिलते रहूंगा उतने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताते रहूंगा। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ताली कभी कल बजे।